आइए हमें ले आ रहा अपने घर, और आज आपको हम नेपाली घर का वो दिखाएंगे, चाय पानी कैसा होता है भाई। अनाज कहाँ डालते हैं? ये पूरा मिट्टी का है। मिट्टी का घर पर स्टील का ड्रम लाते हैं, ये मिट्टी का ड्रम है, तो इसमें अनाज सड़ता नहीं है क्या? नेपाल की भाई चाय, पहली नेपाल के गांव की पहली चाय है हमारी। इनके यहाँ पे ना गौशाला में एक डिफरेंट सी चीज़ है, हमारे वहाँ की जो गाय भैंस है ना वो इस तरीके से हमने तो कभी अपने घर में देखा नहीं, बट यहाँ पे घास खिलाने की ना एक अलग तरकीब है गांव में। और ये नेपाल का गांव का घर है इनका भाई का, तो ये हमको अपना घर का टूर करवा रहे हैं नेपाल के घर। भैया देखो कैसे होता है। सलमान खान, सांवरिया का सलमान खान, मैं लग रहा हूँ सांवरिया का सलमान खान। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो ये पीछे छोटी सी बच्ची है, ये बोल रही थी कि तो आप तो नेपाली से लग रहे हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रोहित पाड़ी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारी इस नई सीरीज में, इंडिया टू नेपाल। और इंडिया टू नेपाल सीरीज का ये चौथा दिन है, और हम हैं अभी आपका चीसा पानी में। और पिछले वाले ब्लॉग में हम लोग चीसा पानी पहुंच गए थे, और चीसा पानी के बारे में जितना कुछ भी था ना वो मैंने एक्सप्लोर किया आपके लिए। चीसा पानी का जो कर्नली ब्रिज है, जो कभी एशिया का नंबर वन ब्रिज हुआ करता था, वो आपको दिखाया, क्योंकि वो कैसे केबल पे स्टैंड है। अभी तो बहुत सारे ब्रिज उससे आगे निकल गए, लेकिन एक टाइम पहले वो वर्ल्ड का नंबर वन ब्रिज हुआ करता था जो केबल से कसा हुआ है, और वो कावासाकी कंपनी ने बनाया था। जो कावासाकी वही कंपनी जो बाइक वाली कंपनी है। फिलहाल आज के इस ट्रिप में हम लोग निकलने वाले हैं चीसा पानी से कोहल पुल के लिए, और कोहल पुल की यहाँ से जो दूरी है वो है कम से कम 80 किलोमीटर। तो चलते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात करते हैं, और यहाँ से कोहल पुल के लिए हमको मिल जाएंगी, यहाँ तो हाइस्ट वाली जो गाड़ियाँ हैं जो सामने खड़ी हैं ये मिलेंगी, या फिर हमको अगर और सस्ते में जाना है तो हमें बस का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ना लगता नहीं है, मुझे ना यहाँ पर पिछले आधे घंटे से कोई बस नहीं दिखाई दे रही है, सारी गाड़ियाँ यही वाली हैं, तो इन्हीं में बैठ के हम लोग को जाना है यहाँ से कोहल पुल। और क्या बोलते क्या क्या लगता है? सांवरिया का सलमान खान, सांवरिया का सलमान खान, मैं लग रहा हूँ सांवरिया का सलमान खान। निकाल इस बात पे 10 रुपए निकाल। ओ जाने जाना चीसा पानी से हमको कोहलपुर के लिए मिल गई ये वाली बस, और सामान हमने रखवा दिया अपना ऊपर। तो भैया हमको मिल गई थी बस, और हम बस में बैठे ही थे, तो इसमें बहुत सारे लोग बैठे थे यहाँ पे। तो ये पीछे छोटी सी बच्ची है, ये बोल रही थी कि आपको नेपाली नहीं आती। मैंने कहा मुझे तो इंडिया से आया हूँ ना। कह रही नहीं तो आप तो नेपाली से लग रहे हो। तो क्या मैं नेपाली से लगता हूँ क्या? बताओ तुम, लगता हूँ मैं नेपाली सा? सेम नेपाली नहीं हूँ, मतलब मैं सेम नेपाली सा नहीं लग रहा हूँ, लग रहा हूँ पक्का पक्का क्या लग रहा हूँ सच में नेपाली ऐसा, या फिर दाढ़ी वाड़ी काटने के बाद लग रहा हूँ? तो अगर लग रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भैया आपका ये चीसा पानी वाले पुल से हम निकल रहे हैं आपका कोहलपुर के लिए, और इस चीसा पानी वाले जो कर्नली ब्रिज है इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, और एक नई लोकेशन के लिए, ताकि आपको बताएं कि वहां का कल्चर और वहां का मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तो चलो निकलते हैं इस चीसा पुल से आगे की तरफ। तो ये पुल है ना पूरा, ये आपका सिर्फ दो पिलर्स में है, और इसको केबल से कसा गया है। लुम्बिनी प्रदेश में हमारा एंट्री हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है बोर्ड में लिखा है उसका मतलब यही है। तो भैया हम चीसा पानी से कम 8 से 10 किलोमीटर आगे होंगे, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पार्क, ये पूरा आपका बर्दिया नेशनल पार्क है। तो यहाँ के लिए आपको जंगल सफारी भी मिलता है, अगर आपको नेपाल में जंगल सफारी का मजा लेना है ना तो आप बर्दिया नेशनल पार्क में आ सकते हैं। आपको हिरन दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो आप बिल्कुल ठीक सामने आपको इतने सारे हिरन। तो इधर हिरन होगा तो टाइगर वाइगर भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे मतलब ऐसे दिखते हैं हिरन हिरन सब कुछ। तो कभी आपने टाइगर वाइगर देखा है इधर दिन में, दिन के टाइम पे भी? तो अभी मैंने आपको दिखाया बाहर से ना 3-4 हिरन थे, और तो भाई अभी आगे नज़रें जमा के बैठना है मुझे, अब हाथी से कुछ भी दिख सकता है अभी। तो भाई हम लोग पहुंच गए आपका नेपाल के बांसगढ़ी, और ये बांसगढ़ी का बाजार है पूरा, ये नेपाल का बांसगढ़ी है भाई। अब यहाँ देखो यहाँ क्राउड, बट यहाँ ना अभी रोड नहीं बनी हुई है, इस वजह से ना थोड़ा सा रोड गंदी है, और बाजार अभी इस टाइम पे काफ़ी शांत है मेरे ख्याल से, शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत क्राउड होता होगा यार। तो भैया हमको उस गाड़ी ने छोड़ दिया है आपका कोहलपुर, और ये कोहलपुर का चौराहा है, कोहलपुर के चौराहे के पास हमको छोड़ा है। यहाँ से जो सामने वाला रोड है ना ये आता है आपका काठमांडू के लिए, और वो नेपालगंज जाता है, और ये आपका महेंद्र नगर जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक राउंड अबाउट है यहाँ पे, इस राउंड अबाउट के चारों ओर अलग अलग लोकेशन में नेपाल के लेना, आप ये समझते हैं कि एक सेंटर टाइप का है, कि एक जंक्शन टाइप का, यहाँ से चारों ओर नेपाल के लिए बस निकलती हैं। और हम आपको कौन सा गाँव दिखाने वाले हैं ना कोहलपुर नेपाल का, वो आपको हम आगे बताते हैं। अभी हमें एक फ्रेंड मिला है बस में यहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि आप हमारे घर चलो, क्योंकि ना हम लोग नेपाल के गांव आपको दिखाने वाले हैं। भैया हमको मिल गया है ऑटो, और ये ऑटो अरेंज किया हमारे ये भाई ने,
जो हमें बस में मिला था आपका तीसा पानी से, तो ये अपने गांव लेके जा रहा है। तो आज आपको नेपाल के गांव घुमाए जाएंगे। चलो देखते हैं, एक नई यात्रा पे निकल चुके हैं। और ये है हमारा टुक टुक जिसमें हम जाने वाले हैं नेपाल का गाँव का। गाँव का नाम क्या आपके? बोरदिहार। बोरद्वार। बोरद्वार। बोरदुआ। चौराहा। अच्छा, ये आपका कोहलपुर चौराहा। हम आपके गांव जा रहे हैं ना, बोरदुआ। बोरदुआ तो भाई का जो गांव है उस गांव का नाम है बोरदुआ। और भाई हमें ले आ रहा अपने घर, और आज आपको हम नेपाली घर का वो दिखाएंगे, चाय पानी कैसा होता है भाई। ये भाई के मतलब हम मेहमान हो चुके हैं आज। आपका आ गए नेपाल के गाँव में, और इस ऑटो से जा रहे हैं भाई के घर पे। भाई हमको ले जा रहा है अपने घर की तरफ को, देख के आते हैं भाई नेपाल में मतलब लोग कैसे रहते हैं। ये नेपाल के गांव की गलियां हैं, आप देख लीजिए। तो भैया हम आ गए हैं आपका अपने दोस्त के घर पे, और ये है हमारे नेपाल का गांव का घर। और ये अपना दोस्त हमारा बस मिला था हमको और ये लेके आया है। तो हम इसी के जरिए हम लोगों ने गांव का नेपाल के गांव भी देखे, नेपाल में इस तरीके से लोग रहते हैं, इस तरीके से भाई ने व्यवस्था करी हमारे बैठने के लिए। नेपाल वालों थैंक यू सो मच। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ गांव देखेंगे, गांव घूमेंगे, फिर हम निकल जाएंगे कोल्हापुर के लिए, ठीक है। तो आपको हमने आज आप नेपाल का गांव भी दिखा दिया कि शहरों को छोड़ के नेपाल के गांव की लाइफ को भी यार। नेपाल का मतलब ये नहीं कि पोखरा काठमांडू और इस तरीके से, नेपाल का मतलब नेपाल का जो भीतरी जनजीवन है ना, जो मतलब डीप विलेज वो लाइफ भी है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सा गाँव है आपका? बोरदुहार। बोरदुहार। तो ये आप उनको अपना घर का टूर करवा रहे हैं, तो एक बार इनका घर देख लेते हैं नेपाल के घर। भैया देखो कैसे होते हैं और हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं, देखो भैया। अच्छा, ये आपके भैया हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका रोहित पहाड़ी आपके पहुंच गए नेपाल के गांव में, और ये नेपाल का गांव का घर है इनका भाई का। और देखो इन्होंने प्याज व्याज लगाई है, मेरे को ना प्याज देख के अपनी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर पे भी प्याज लगाई जा रही थी। और यहाँ भी देखो भैया, ये नेपाल में लग रही है प्याज अभी, ठीक है। ये नेपाल में इनकी ये खेत आप लोगों के होंगे। ये प्याज है ना? आ, प्याज, प्याज। ये प्याज। और आगे क्या है? वो क्या लहसुन? नहीं, वो आगे क्या है? उधर है ना मक्का। मक्का। और आगे क्या? मसूर। मसूर। ये कावली गोभी है ना वो? अच्छा, गोभी लगी है उधर। नहीं, ये बड़ा सा ये स्टील का ड्रम है या फिर आप ये मिट्टी की? ये आपने मिट्टी से आपने अपने हाथ से बनाया इसको पूरा? नहीं, हमने भी नहीं बनाया, बना तो लोग नहीं बना, कारीगर बनाते हैं मतलब। लोग नहीं बनाया है, बनाने तो। अच्छा, मतलब ये इसमें कहाँ से डालते हो अनाज, कहाँ डालते हैं? ये पूरा मिट्टी का है? मिट्टी का। ये पूरा मिट्टी का है ना, जैसे मतलब लोग अपने घर में स्टील के ड्रम लाते हैं, ये मिट्टी का ड्रम है। तो इसमें अनाज सड़ता नहीं है क्या? नहीं नहीं सड़ता। अच्छा, तो ये आपको खरीदना पड़ता होगा ना पूरा? हाँ, ये क्या चीज़? अच्छा, ये कितने साल पुराना है? बहुत है। अच्छा, बहुत साल पुराना है? 5-6 साल। तो भैया नेपाल के घरों में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में ना हमने सोचा था। हम लोग ना अपने वहाँ पे क्या कहते हैं अनाज को संभालने के लिए जैसे ड्रम रखते हैं ना, ड्रम, स्टील के ड्रम, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मिट्टी के ड्रम होते हैं। इस तरीके से देख लो आप नेपाल के गांव में, और सामने ना ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं भाई लोगों ने, ये शाम को आग जलाने के लिए हैं। और इस तरीके से लोग यहाँ पे घास लेके आते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, पीछे एक घास आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, इसे हमारे पहाड़ी में तो लूटा बोलते हैं, बट यहाँ क्या बोलते हैं आप इसको? टोवा। टोवा। ये जो घास रखी है इसको टोवा बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ दिख रही है, तो इनके यहाँ पे ना गौशाला में एक डिफरेंट सी चीज़ है। हमारे वहाँ की जो गाय भैंस है ना वो इस तरीके से हमने तो कभी अपने घर में देखा नहीं, बट यहाँ पे घास खिलाने की ना एक अलग तरकीब है। तो ये अपनी गौशाला में लेके आए, दिखाओ कैसी है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इधर एक भैंस और भैंस का बच्चा है, दूध पी रहा है। देखो आप उधर देखो, और सामने देखो आप बकरियां ना एक आपकी घास झूल रही है झूले में, और थोड़ा थोड़ा घास खा रही है, जैसे बकरियां पेड़ में चढ़ के खाती है ना थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से ये टेक्निक अपनाई है, घास को एक पिंजरे टाइप में बांध रखा है, और उसके बाद एक एक करके बकरियां उसमें से खाई जा रही है। और एक छोटा सा नन्ना मेहमान हमें मिल रहा है यहाँ पे नेपाल के घरों के बिल्कुल अंदर के मतलब अंदर की चीजें जो शायद आपने कभी देखी भी नहीं होंगी इस तरीके से। वैसे हमारे गांव में ये सब होता है, बट मेरे को लग रहा है कि आपको दिखाना चाहिए, कि हमारे गांव वाले भी देखेंगे तो ना तो उनको लगेगा कि अच्छा नेपाल में बकरी को भोजन खिलाने की मतलब ऐसी टेक्निक है। घास भी कम कम लगती है और बकरियाँ कम से कम घंटे, 2 घंटे 3 घंटे तक खाते भी रहती है। अपना लोग बाइक बहुत कम यूज़ करते हैं, साइकिल से ज़्यादा चलते हैं, ऐसा क्यों? मैं यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ देख रहा हूँ सब साइकिल से चल रही हैं, लड़के देख रहा हूँ साइकिल से चल रहे हैं। बाइक या यहाँ पर बाइक बहुत महंगी है, तो ऐसा बहुत महंगा पड़ता है ना? कितना महंगा पड़ता है? और 1-1.5 लाख देखिए, अगर स्प्लेंडर बाइक लेंगे या पैशन प्रो बाइक लेंगे, हीरो की बाइक लेंगे तो कितने की पड़ती है? और पड़ता है ना, रेट पड़ता है ना, 1.5 लाख रुपया पड़ता है, 1.5 लाख रुपये स्प्लेंडर पड़ता है ना भाई। तो मतलब साइकिल 5-6 हज़ार में मिलता है ना, साइकिल 5-6 हज़ार में मिलता है, 5-7 हज़ार में मिलता है, बहुत महंगा है। फिर भी साइकिल भी महंगा है, ऐसी साइकिल। तो मैं ना पिछले 2-3 दिन से देख रहा था कि लोग ना यहाँ पर साइकिल में बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद वो लोग क्या कहते हैं इको लवर हो,
इको फ्रेंडली लोगों की यार वो सोचते हो कि यार धुआं नहीं छोड़ना है गाड़ी में से ऐसे साइकिल चला रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाइकें बहुत ज़्यादा महंगी है यार, बहुत ज़्यादा महंगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्प्लेंडर बाइक भी आपको 1.5 लाख 2 लाख की मिलती है, तो पल्सर 3 साढ़े 3 4 लाख की मिलती है। तो आप समझ लो कि जितने में हमारे वहाँ कार आती है इंडिया में, उतने में तो यहाँ बाइकें मिलती हैं, तो फिर इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे साइकिल प्रेफर करते हैं। पल्सर एक 1.5 लाख पड़ता है, पल्सर 150 और अगर 250 लेंगे तो, और 250 लेने का 3 लाख पड़ता है ना, 3 लाख पड़ता है, 3 साढ़े 3 लाख पड़ता है ना। तो भाई कुछ टाइम बाद यहाँ भी कम हो जाएगा। नेपाल की भाई चाय, और ये चाय है आपकी दूध का चाय है, दूध की चाय है। ओ, है क्या हाल है, क्या हाल है। तो भैया ये हमारी नेपाल से पहली, नेपाल के गाँव की पहली चाय है हमारी, ये दूध का है या दूध का पाउडर है? दूध का है ना। तो भैया अभी ये भाई बता रहा था कि ये स्कूल जाते हैं ये लोग, तो क्या कहते हैं इनको सुबह आपका 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है, 5 बजे, 1 घंटे का सफ़र रहता है, उसका 6 बजे इनके कॉलेज चालू हो जाते हैं और 12 बजे तक इनके स्कूल बताते हैं। भाई बता रहा था कि सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाना पड़ता है, थोड़ा टफ है ना। हमारे वहाँ तो यार 9 से 10 बजे तक स्कूल जाते हैं लोग, 7 से 8 बजे जाते हैं, बट यहाँ पे स्कूल ना 1-1 घंटे की दूरी पे हैं, तो इतनी दिक्कतें हो जाती हैं इन लोगों के साथ। पैदल 1 घंटा लग रहे हैं ना, पैदल 1 घंटा लग रहा है, पैदल 1 घंटा बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो भाई अब हम निकल रहे हैं भाई के घर से अपना, आपका गोकुलपुर, क्या नाम था, कोहलपुर, कोहलपुर के लिए, क्योंकि हमने ना कोहलपुर में रहना है, क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनेट की सुविधा भी है और कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी है, और ब्लॉग भी एडिट करना है आप लोगों के लिए। कल सुबह ना हमको अर्ली मॉर्निंग कोहलपुर से निकलना है आपका, कहाँ, लुम्बिनी के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इससे पहले किसने किसने नेपाल के गाँव देखे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो क्योंकि इस तरह शहरों में तो हम घूम ही रहे, थोड़ा गांव को भी एक्सप्लोर करना बनता है, इसलिए हम भाई के साथ गांव आ गए। तो भाई हम आपका पहुंच गए हैं ऑटो से कोहलपुर, और कोहलपुर से आज की रात हम लोग नेपाल के कोहलपुर में ही रुकने वाले हैं, और अभी ये कोहलपुर सिटी है और काफ़ी बड़ा शहर है यार ये, मेरे को दिख रहा है बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे हैं, जूडो कराटे खेल रहे हैं, और मतलब अच्छी खासी सिटी है, मतलब जहाँ मैं कल रुका था अतरिया ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे आज होटल फाइंड करना है, और हमें जिस रेट में हमने कल लिया है ना चीप और सस्ता हमें वैसे ही लेना है, और हमको लग रहा है कि हम होली भी नेपाल में बना के जाने वाले हैं। तो एक भाई है हमारे साथ, ये हमको लेके जा रहे हैं होटल में। तो होटल यहाँ से कितना दूर है, सामने 2 मिनट की। तो होटल में वाईफाई मिलेगा ना हमको, वाईफाई मिलेगा क्योंकि हमको अपने जो हमारे कस्टमर है ना इनको वीडियो देनी पड़ती है। एक बार हाय बोल दो अपने हिंदुस्तान वालों को। क्या सामने वाला होटल, अच्छा सामने वाला, तो फटाफट से होटल पहुँचते हैं, उसके बाद नहाते हैं यार, क्योंकि ना आज दिन भर थक चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई हम लोग आपका कोहलपुर पहुंच गए हैं, और वो तो आपने पीछे देख लिया, और ये हमने होटल ले लिया है, और मैं लग चुका हूँ अपनी एडिटिंग में। तो अभी कोहलपुर में ये रूम लिया हमने, आप देख लो इस तरीके से, एक बेड इधर है और एक बेड इधर है, और इधर अपना टेबल है, और इधर अपनी क्या कहते हैं एडिटिंग चल रही है, ताकि आपको ब्लॉग फटाफट मिल सके। तो यार ये रूम हमको पड़ा है मात्र आपका 250 रुपये में, इंडियन नेपाली रुपये में तो पड़ा है 400 रुपये का, और इंडियन रुपये में हमको पड़ा है आपका 250 रुपये का। और जहाँ पर मैंने रूम लिया है ना उसके जस्ट बाहर आपका एक बस स्टेशन है, आप देख सकते हो इधर सामने, ये पूरा बस स्टॉप है, यहीं से हमें सुबह बस मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये होटल यहाँ पे लिया है।